हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। रशिया यूक्रेन वॉर में पहली बार ऐसा हुआ है कि यूक्रेन ने किया है रिटेलिएट। अब पहली बार यूक्रेन ने रशिया पर की है बॉम्बिंग। यूक्रेन के हेलीकॉप्टर्स ने रशियन बॉर्डर में 25 मील तक घुसकर फिर उन्होंने डीप इंटू रशियन टेरिटरी में जाकर एक ऑयल डिपो में मिसाइल दाग दी जिसे इन्होंने कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और फिर वापस यूक्रेन भी उड़कर आ गए। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पहली बार हुआ है कि रशिया पर किसी ने की है बॉम्बिंग। ये शहर है बेलग्रोड, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है क्योंकि इसी शहर से सारे एमुनिशन सप्लाई हो रहे थे रशियन आर्मी को। यहीं से खरकीव पर रशिया बार बार लगातार मिसाइल दाग रहा था या फिर अपने अटैक्स को कर रहा था कोऑर्डिनेट। यूक्रेन ने Mi-24 हेलीकॉप्टर्स को यूज़ किया है और बहुत ही लो एल्टीट्यूड पर फ्लाई किया ताकि वो S-300 और S-400 डिफेंस सिस्टम्स को मात दे सकें। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हाल में ही लावरोव और पीएम मोदी की हुई है मीटिंग। इस मीटिंग में लावरोव ने बार बार इस बात का जिक्र किया कि वो लॉन्ग टर्म मेजर्स पर ध्यान दे विद इंडिया, जिससे एक बात क्लियर होती है कि रशिया को भी पता है कि ये वॉर छोटी नहीं होगी, ये वॉर जल्दी ख़त्म नहीं होने वाली है और ये वॉर लंबा चलेगी। तो रशिया धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि वो कैसे इन सैंक्शंस के इर्द गिर्द अपनी इकोनॉमी को बनाएगा और उसमें सर्वाइव और सस्टेन करेगा। ऑन दी अदर हैंड, यूक्रेन के बढ़ते हुए कॉन्फिडेंस को देखकर और ये जो नया अग्रेशन है टुवर्ड्स रशिया बाय यूक्रेन, इसको देखते हुए अभी हाल फिलहाल में जो पीस टॉक्स हुए थे जिसके तहत रशिया धीरे धीरे कीव से पीछे हट रहा था, अब शायद वो भी थम जाए। पहले ये था कि रशिया कीव से बहुत दूर चल जाएगा और धीरे धीरे शायद ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, बट अब शायद ये होने नहीं वाला है। रशियन फोर्सेस कीव से एक सेफ डिस्टेंस बना के जहाँ के तहाँ वहीं रुक गए हैं। अब होगा क्या कि रशिया वहाँ रुकेगा, आराम करेगा, रीग्रुप करेगा और रीस्टॉक करेगा अपने सारे एमिनेशंस पर, और फिर मुझे लगता है कि वापस से कीव पर हमला होगा और इस बार का जो हमला होगा वो बहुत ज़्यादा ही खूंखार होगा। क्योंकि रशिया देख रहा है कि अगर वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं यूज़ कर रहा है और वो ये सब मेजर्स नहीं यूज़ कर रहा है तो यूक्रेन का धीरे धीरे अग्रेशन बढ़ रहा है, और अगर यूक्रेनियन अग्रेशन बढ़ते जाएगा तो वो शायद रशिया की वर्ल्ड इमेज पर बहुत ज़्यादा डैमेज देगा, जो ऑफ कोर्स व्लादिमीर पुतिन को रास भी नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो यूक्रेनियन अग्रेशन है, इसे मैं साफ साफ कहूँगा कि यूक्रेन अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि रशिया ने पहले ही यूक्रेन की एयरफोर्स को ध्वस्त कर दिया है मार के। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अमेरिका या फिर नेटो फोर्सेस आके उन्हें नए जेट्स देंगे मारने के लिए, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू ये होगा कि जो सिंपति पूरे वर्ल्ड में यूक्रेन को मिल रही थी कि यूक्रेन अपने आप को डिफेंड कर रहा था, अब अगर बार बार यूक्रेन ऐसा हमला करेगा तो वो सिंपति भी धीरे धीरे खोते जाएगा। और जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर एक बार सिंपति यूक्रेन खो दे और यूक्रेन पूरे वर्ल्ड के नज़र में बुरा बन जाए तो शायद अमेरिका, ब्रिटेन, कैनेडा, यूके, ये जो सारे कंट्रीज यूक्रेन को हेल्प कर रहे हैं वो पीछे हट जाएंगे। और फिर जैसा हम सब जानते हैं, व्लादिमीर पुतिन और रशियन आर्मी के लिए बहुत बड़ा टास्क में है पूरी यूक्रेन को मार के ध्वस्त कर देने का। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।